नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6, सुबह, भाषा सज्जता। बाल मित्रों, अब हम हिंदी में सुबह हमने पढ़ लिया। अब सुबह में लेसन नंबर 6 है सुबह, उसमें जो भाषा सज्जता है हम उसे देखेंगे। यहाँ पर आप एक सुंदर चित्र देख रहे हो। इस सुंदर चित्र में आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, नदी में बहुत सा पानी है, पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, नदी के पानी में कमल के 3 फूल सुंदर फूल हैं, 2 नौका में से 1 नौका किनारे पर खड़ी है, सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। उदाहरण, ग्वाले के हाथ में लाठी है। दूसरा, उसी के अंतर्गत दूसरा है, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। यहाँ पर लंबी शब्द लाठी की विशेषता या गुण को सूचित करता है। उसी प्रकार काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, 3 आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को सूचित करते हैं। इसीलिए संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बाल मित्रों, अब हम थोड़ा सा विशेषण की फिर से परिभाषा देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। बाल मित्रों, अब हम पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या है? विशेषता प्रकट करते हैं, यानी उसकी खासियत बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण क्या है? यह घर सुंदर है, हरी पत्तियां मत तोड़ो, गीता के बाल लंबे हैं। तो यहाँ पर विशेषण कौन कौन से हैं? सुंदर, हरी और लंबे, ये क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? यह संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात सुंदर, हरी और लंबे क्या हुए? विशेषण हुआ। ओके, फिर यहाँ पर घर, पत्तियां और बाल, घर पत्तियां और बाल है वो क्या है? वह विशेष्य है। अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेष्य क्या है? कौन से संज्ञा सर्वनाम है? तो घर है, पत्तियां है और बाल है। इन शब्दों या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है इसलिए इसे विशेष्य कहेंगे। और विशेषण किसे कहेंगे? सुंदर, हरी और लंबे, ये क्या है? विशेषण कहलाएंगे। जिसमें मैंने रेखांकित किया है लाइन के वर्ड के नीचे रेखांकित की है, वह रेखांकित शब्द है वो क्या है? विशेषण है। तो हम फिर से एक बार विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसमें सुंदर, हरी और लंबे क्या है? विशेषण है। बाल मित्रों, हमने विशेषण की परिभाषा देखी, उसके कुछ उदाहरण देखे। अब मैंने यहाँ पर कुछ नीचे वाक्य दिए हैं, लिखे हुए हैं। इन वाक्यों में से आपको क्या करना है? विशेषण को छांटकर, मतलब विशेषण बताना है। जैसे कि रेशमा हिम्मती लड़की है। दूसरा वाक्य, छोटा बच्चा फिसल गया। तीसरा वाक्य है, कक्षा में 10 लड़कियाँ बैठी हैं। और चौथा वाक्य है, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो बाल मित्रों, अब आप बताइए कि इसमें से विशेषण कौन से हैं?
हमने विशेषण की परिभाषा देख ली है। तो रेशमा लड़की कैसी है? तो हिम्मती। तो रेशमा की विशेषता क्या है लड़की की? कि वो बहुत ज्यादा हिम्मती है। तो यहाँ पर क्या होगा विशेषण? हिम्मती। फिर दूसरा है छोटा बच्चा फिसल गया। तो बच्चा कैसा है? तो बच्चा क्या है? छोटा है। तो बच्चे की विशेषता क्या है? कि वह छोटा है और वह फिसल गया। ठीक है। और तीसरे वाक्य में देखिए, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं। तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियों की विशेषता क्या है? कि वह 10 है। 10 लड़कियां हैं कक्षा में बैठी है। तो कितनी लड़कियां हैं? तो 10 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की विशेषता क्या है? कि वह 10 है। फिर कुत्ता वफादार प्राणी है। तो कैसा है प्राणी? कैसा है? तो वह है वफादार। तो यहाँ पर हिम्मती, छोटा, 10 और वफादार, ये सब क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया ना बाल मित्रों? बाल मित्रों, हमने विशेषण की परिभाषा देखी उदाहरण सहित। अब हम खाली विशेषण के प्रकार देखेंगे, विशेषण के भेद या प्रकार। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रकार है? विशेषण के 4 प्रकार है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। बाल मित्रों, अब इन विशेषण की जो परिभाषा है वो हमें नेक्स्ट सेमिस्टर में इसके डीप में अर्थात इसकी डिटेल है हम नेक्स्ट सेमिस्टर में हमें करनी है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। ओके, तो विशेषण के प्रकार आपको पता चल गए ना? तो विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं और साथ में विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो इतनी बाल मित्रों आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।